हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका पैरट भी बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए, राम अपना आजकल बड़े हो गए हैं और अपनी मस्ती करते हैं, थक जाते हैं तो हाथ पे आ जाते हैं। और ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, आप अगर बेबी पैरट लेते हैं या आपके पास पैरट है तो उसकी सबसे जो बड़ी चीज है वो यही है कि वो एक बार में आपके हाथ पे आ जाए और बहुत फ्रेंडली हो जाए आपसे, तभी वो भी खुश रहेगा और आप भी बहुत खुश रहेंगे, है ना। तो एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा है कि उनके मिट्ठू के ना पैर में चोट लग गई है। तो देखिए, इन लोगों का जो ये पैर होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। ये क्या करते हैं, हमारे पीछे पीछे घूमते हैं और जरा से देर में हमारा ही पैर पड़ जाता है, किसी कवर्ड में, फ्रिज में घुसना चाहता है ये तो बहुत डर लगा रहता है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अगर आपके मिट्ठू के पैर में चोट लग गई है तो मैं एक बहुत अच्छा घरेलू चीज बता रही हूँ। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर्बल दवा बताऊँ, घरेलू उपचार बताऊँ, क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना हर टाइम तो पॉसिबल नहीं होता है और डॉक्टर्स मिलते भी बहुत कम हैं। तो इसलिए आपके अगर मिट्ठू के पैर में चोट लग गई हो या किसी भी जगह चोट लगी हो तो आप फौरन, सबके घर में सरसों का तेल होता होगा, हल्दी होती होगी किचन में, तो हल्दी और सरसों का तेल लेके और थोड़ा सा गुनगुना कर लें उस तेल को और उसके उस पार्ट पे लगा दें, है ना। तो बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगी, 3-4 दिन में आपके मिट्ठू का पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज ये आती है कि भाई हमारा मिट्ठू तो क्या है, मिर्ची नहीं खाता, तो आप मिट्ठू को मिर्ची सुबह सुबह देना शुरू करिए। ये भी नहीं देता था, कभी नहीं खाता था ये भी, और इसे मैंने बड़ी मुश्किल से आदत पड़वाई है इसकी। और सुबह सुबह क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग आप सबसे पहले इसका ब्रेकफास्ट मिर्ची का ही कराइए। और ये एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, लेकिन चौथे पांचवें दिन ये मिर्ची को खाने लगेगा। देखो, अगर हमने पैरट पाला है और तोता हमारे पास है मिट्ठू, तो हमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हर काम में ही पेशेंस बहुत जरूरी होता है। और अगर आप पेशेंस है आपके अंदर तो आपका पैरट बोलेगा भी, बात भी करेगा, आपको खुश भी रखेगा, आप भी खुश रखिए उसे, वो भी आपके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाएगा, बहुत मस्ती करेगा, खेलेगा, है ना राम? एक बार राम राम बोल दो इसी बात पे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पैरट को, उसमें क्या होता है, मिर्ची में केवल यही नहीं है कि उसकी आवाज अच्छी होती हो, हरी मिर्च में विटामिन ए होता है जो कि बहुत इनके फेदर के लिए भी अच्छा होता है और इनके लिए भी अच्छा होता है, इनकी आवाज भी अच्छी होती है, बहुत सारे, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारे कारण हैं। और आप अपने मिट्ठू को मिर्ची जरूर खिलाइए, और कहते ही है ना, हरा तोता तो मिर्ची खाता है, तो आप भी खिलाइए और 5-6 दिन में आदत पड़ जाएगी, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कोई भी परेशानी हो अपने बर्ड को लेके, मैं सॉल्व करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके क्वेश्चन का बहुत सेटिस्फाइड तरीके से आंसर दूं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राम, एक बार राम राम कह दो बेटा, हाथ पे आ जाओ, राम राम, अभी नहीं, हाँ राम राम, ऐसे ही आप अपने मिट्ठू को ट्रेन करें। बाय बाय।